Hello students, this is the second lesson of class 3. Myself is Ashish Mishra and I am going to teach you the lesson The Pied Piper of Hamelin. The Pied Piper of Hamelin has been written by Johann Wolfgang von Goethe. I am trying to show you the picture. This is the picture of Johann Wolfgang von Goethe, and let me tell you something about him. He was a German writer, artist and politician, born in 1749 and he died in 1832. ये एक जर्मन आर्टिस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। 1749 में इनका जन्म हुआ और 1832 में जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोथे की मृत्यु हो गई। The story of Pied Piper reflects a historical event in the town of Hamelin, Germany. जर्मनी के हैमलिन शहर में ये पाइड पाइपर जो है एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को दिखाता है। हैमलिन इज अ ब्यूटीफुल टाउन इन जर्मनी। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हैमलिन इज अ ब्यूटीफुल टाउन इन जर्मनी। हैमलिन जो है वो जर्मनी का एक बड़ा ही सुंदर शहर है, कस्बा है सॉरी। बट इयर्स एगो द टाउन वॉज फुल ऑफ रैट्स। बहुत सालों पहले यह शहर, यह कस्बा चूहों से भरा हुआ था। द रैट्स फाउट विद द डॉग्स। और चूहे इतने खतरनाक थे कि वो कुत्तों से लड़ा करते थे। किल द कैट्स, बिल्लियों को मार डालते थे। बीट द स्लीपिंग बेबीज इन द क्रैडल्स, और झूले में झूल रहे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्हें काट लेते। एंड एट अप ऑल द फूड, और जितने भी भोजन थे, खाने योग्य सामग्रियां जितनी थी वो सारे के सारे खा लेते थे। द पीपुल हैड ट्राइड हंड्रेड ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ देम। लोगों ने सैकड़ों प्रयास कर लिए उनसे मुक्ति पाने के लिए। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। उनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सैकड़ों तरीके अपना लिए थे। बट वी आर अनेबल टू चेज अवे द रैट्स। लेकिन चेज अवे का मतलब होता है भगाना, लेकिन वो इसे भगा पाने में असमर्थ थे, नाकाबिल थे। दे वेंट टू मेयर इन एंगर एंड आस्क्ड हिम टू डू समथिंग अबाउट इट। वे लोग हैमलिन शहर के मेयर के पास गए और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आप कुछ कीजिए, चूहों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद कीजिए। बट द ओल्ड मेयर टू वॉज हेल्पलेस। लेकिन वो बेचारा मेयर खुद असहाय था, वो क्या कर सकता था। वन डे अ स्ट्रेंज मैन केम टू सी द मेयर। एक दिन एक बड़ा विचित्र किस्म का आदमी मेयर से मिलने के लिए आया। ही वॉज ड्रेस्ड इन लॉन्ग येलो एंड रेड कोट। वह पीले रंग के कपड़े में और एक बड़ा सा रेड रंग का, लाल कलर का कोट पहना हुआ था उसने। ही वॉज टॉल एंड थिन। वह लंबा था, पतला था। एंड वोर अ लॉन्ग रेड क्लाउन्स कैप, और एक लंबी सी लाल रंग की जोकड़ों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी उसने अपने सर पर पहन रखी थी। ऑन हिज हेड ही हैड अ लॉन्ग पाइप इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक बड़ी सी पाइप थी। द मैन टोल्ड द मेयर। मैन ने मेयर से कहा, आई एम अ पाइपर, मैं पाइप बजाने वाला व्यक्ति हूं, मैं बिगुल बजाता हूं। आई कैन टेक अवे ऑल द रैट्स। मैं सारे चूहों को भगा सकता हूं। विल यू गिव मी 1000 gold points। लेकिन शर्त यही है कि आपको मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, सोने के सिक्के देने होंगे। द मेयर सेड। मेयर ने कहा, आई विल गिव यू 50,000 gold points इफ यू सक्सेड। अरे मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम सफल हो जाते हो तो। द पाइड पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। पाइड पाइपर जो था वो सड़कों पर आ गया। ही बिगन टू प्ले अ क्वीर लिटिल ट्यून, और एक अजीब किस्म का वो धुन बजाने लगा। ट्यून का मतलब होता है धुन। सडनली देयर वॉज अ नॉइज एंड द रैट्स केम रनिंग आउट ऑफ ऑल द हाउसेस। तभी अचानक बहुत सारी आवाजें होने लगी और घरों से चूहे दौड़ते हुए घरों से बाहर निकलने लगे। Big rats, small rats, thin rats, fat rats, brown rats, green rats, black rats and all kinds of rats. बड़े चूहे, छोटे चूहे, पतले चूहे, मोटे चूहे, भूरे चूहे, हरे चूहे, काले चूहे,
और विभिन्न किस्म के चूहे घरों से बाहर निकलने लगे। द पाइपर वॉक थ्रू द टाउन, पाइपर शहर से होकर के गुजरता रहा, ब्लोइंग द पाइप फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ रैट्स, बिगुल बजाता हुआ और उसके पीछे पीछे चूहों की भीड़ चलते हुए, चूहों का जुलूस हुजूम सा चलता हुआ। He finally stepped near a river, और अंत तो गत्वा वो जाकर के एक नदी के किनारे रुक गया। But rats ran on, लेकिन चूहे दौड़ते रहे, and fell into the river, और नदी में गिर पड़े। They all drowned, और नदी में कूदने की वजह से वो सारे के सारे डूब गए, मर गए। Drowned का मतलब होता है डूब करके मर जाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पाइपर जो है वो पाइप बजा रहा है और उसके पीछे चूहे दौड़ते चले आ रहे हैं। द पीपल ऑफ हैमलिन वेर थ्रिल्ड, हैमलिन शहर के, हैमलिन कस्बे के लोग खुश हो गए। दे थैंक द पाइपर, उन लोगों ने पाइपर का शुक्रिया अदा किया। बट व्हेन द पाइपर आस्क्ड द मेयर फॉर हिज 1000 गोल्ड कॉइंस, लेकिन जब वो पाइपर मेयर के पास अपने 1000 स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के लेने के लिए गया, तो मेयर ने कहा, ही सेड, ओ नो आई वाज नॉट सीरियस, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। टेक दिस 10 गोल्ड कॉइंस एंड गो, ये 10 सोने के सिक्के लो और चले जाओ, तो बहुत आसान काम था। द पाइपर वाज एंग्री एंड वार्न्ड हिम, वो बिगुल बजाने वाला गुस्सा हो गया और उसने चेतावनी दी, मेयर को चेतावनी दी। द मेयर जस्ट लाफ, लेकिन मेयर मुस्कुराता रहा, हंसता। द पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट अगेन, और इस बार जैसे ही मेयर के चैम्बर से वो बाहर निकला, गलियों में आया, तो पाइपर ने अपने फिर से बिगुल बजाना शुरू कर दिया। एंड दिस टाइम ही प्लेड अ सॉफ्ट ट्यून ऑन हिज पाइप, और इस प्रकार इस बार वो बड़ा ही मधुर धुन बजा रहा था अपने पाइप के माध्यम से। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन केम आउट एंड फॉलोड द पाइपर, टाउन के जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे पाइपर के पीछे चलने लगे, लाफिंग डांसिंग, हंसते हुए, नाच करते हुए, सिंगिंग अप ऑन ए हाई हिल, और गीत गाते हुए वो उस पाइपर के पीछे चलते हुए एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। अ मैजिक डोर ऑन द साइड ऑफ द हिल ओपेंड एंड द पाइपर वॉक्ड इन विद ऑल द चिल्ड्रन, एक बड़ा सा दरवाजा खुला, मैजिक डोर खुला, जादुई दरवाजा खुला पहाड़ के ऊपर का, और सारे बच्चे उसके भीतर चले गए। द डोर शट वंस मोर, और इस बार फिर से दरवाजा बंद हो गया। ओनली वन चाइल्ड रिटर्न टू द टाउन, सिर्फ एक ही बच्चा टाउन में लौट सका, शहर लौट सका। ही वॉज लेम एंड कुड नॉट रन एज फास्ट एज द अदर चिल्ड्रेन, और दूसरे बच्चों की तरह तेज भाग नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा था। व्हेन द चिल्ड्रेन्स पेरेंट्स हर्ड हिज स्टोरी दे वेंट टू द मेयर एंड शाउटेड एट हिम, जब बच्चों के माता पिता ने उसकी कहानी सुनी तो वो दौड़ते हुए मेयर के पास गए और उसके ऊपर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। दे आस्क्ड द मेयर टू ब्रिंग बैक देयर चिल्ड्रेन एट वंस, जल्द से जल्द अपने बच्चों को वापस ला देने की मांग करने लगे। द मेयर हैड लर्नड हिज लेसन, मेयर ने अब सीख ले लिया था। He went to the hill and called out the piper and gave him a bag of 70,000 gold coins and told him to bring back the children. वो दौड़ता हुआ एक बड़ा सा बैग लेकर के उसे पहाड़ी पर गया, उसने पाइपर को बुलाया और 70,000 सोने के सिक्के बच्चों को वापस कर देने के एवज में उसने देने की घोषणा की। सुन द डोर ओपेंड एंड कैन द चिल्ड्रन लाफिंग एंड डांसिंग, तभी अचानक दरवाजा खुल गया और बच्चे उसमें से हंसते हुए, डांसते हुए बाहर निकल गए। दे ऑल रीच्ड होम सेफली, सुरक्षित घर पहुंच गए। द पाइपर लेफ्ट हैमलिन एंड वाज नेवर सीन अगेन, और इस प्रकार से पाइपर जो था वो हैमलिन शहर को छोड़ करके चला गया, फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखा। द पीपल ऑफ हैमलिन लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, और हैमलिन शहर के लोग उसके बाद से ठीक ढंग से रहने लगे। So children, this is all for today. We will talk more about this one in the next video. Thank you.